नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज इस कड़ी में हम प्रस्तुत कर रहे हैं UNODC। UNODC का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। यह अवैध दवाओं और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में अगुवाई करता है। इसकी स्थापना 1997 में संयुक्त राष्ट्र ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन के विलय के माध्यम से की गई थी। यह क्षेत्रीय कार्यालयों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से दुनिया के सभी क्षेत्रों में कार्य करता है। यह सदस्य देशों की अवैध ड्रग्स, अपराध और आतंकवाद के मुद्दों के समाधान करने में मदद करता है। अब देखते हैं इसके कार्य के 3 स्तंभ। पहला स्तंभ है अनुसंधान और विश्लेषणात्मक कार्य। इसके तहत शामिल हैं ड्रग्स और अपराध के मुद्दों की जानकारी और समझ को बढ़ाना, साथ ही नीति और परिचालन निर्णयों के लिए साक्ष्य आधार का विस्तार करना। दूसरा स्तंभ है इसके सामान्य कार्य। इसके तहत यह प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन और कार्यान्वयन करता है। यह ड्रग्स, अपराध और आतंकवाद पर घरेलू कानून के विकास और संधि आधारित और शासी निकायों के लिए सचिवालय और मूल सेवाओं के प्रावधान तय करने में राज्यों की सहायता करता है। इसके कार्यों का तीसरा स्तंभ है क्षेत्र आधारित तकनीकी सहयोग परियोजनाएं। इनके माध्यम से यह अवैध ड्रग्स, अपराध और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों की क्षमता को बढ़ाता है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जिनमें यह मदद करता है। पहला है संगठित अपराध और तस्करी। यह सरकारों को अस्थिरता और अवैध ड्रग्स, हथियारों, प्राकृतिक संसाधनों की तस्करी जैसे अपराधों के कारण होने वाली असुरक्षा पर प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। दूसरा है भ्रष्टाचार। यह सरकार राष्ट्रीय सीमाओं और व्यापारिक चैनलों पर भ्रष्ट व्यक्तियों की पकड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के साथ साझेदारी करता है। तीसरा है अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय में सुधार। UNODC प्रशिक्षण नियमावली के उपयोग और आचार संहिता और मानकों एवं मापदंडों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो इस बात की गारंटी देते हैं कि आरोपी, दोषी और पीड़ित सभी एक आपराधिक न्याय प्रणाली पर भरोसा कर सकते हैं। चौथा क्षेत्र है नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम और स्वास्थ्य। इसके तहत शैक्षणिक अभियानों और वैज्ञानिक निष्कर्षों पर अपने दृष्टिकोण के आधार पर यह बताने की कोशिश की जाती है कि युवा अवैध दवाओं का इस्तेमाल ना करें, ड्रग आश्रित लोग इलाज करवाएं और सरकारें नशीली दवाओं के इस्तेमाल को स्वास्थ्य समस्या के रूप में देखें, न कि अपराध के रूप में। अगला क्षेत्र है आतंकवाद की रोकथाम। आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच में शामिल लोगों की सहायता के लिए UNODC अधिक प्रोग्रामेटिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है।